नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सड़क हादसे में दोषी का रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन। बिहार में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन होगी और अधिक पारदर्शी। पटना समेत कई जिलों में बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। इस बार पटना के गांधी मैदान में नहीं होगा रावण दहन। भाजपा ने कांग्रेस पार्टी पर किया हमला। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सड़क हादसे में दोषी का रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन। बिहार में सड़क दुर्घटना में दोषी लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों का निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार सड़क दुर्घटना के बाद जांच के लिए बनी संयुक्त टीम की रिपोर्ट के आधार पर इसका निर्णय होगा। इसको लेकर एमवीआई की तरफ से संबंधित डीटीओ कार्यालय को अनुशंसा भेज दी जाएगी। इस संबंध में परिवहन सचिव ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश भी जारी कर दिया है, जिसके तहत अब 3 सदस्यीय टीम दुर्घटना स्थल पर जाकर दुर्घटना की जांच कर कार्रवाई करेगी। ज्ञात हो इस टीम में जिला स्तरीय परिवहन पुलिस और पथ निर्माण भाग के अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही सड़क दुर्घटना की वैज्ञानिक जांच भी की जाएगी। बिहार में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन होगी और अधिक पारदर्शी। बिहार में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर बिहार को मध्य प्रदेश का भी साथ मिलने वाला है, जिसके तहत ही अब बिहार और मध्य प्रदेश के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी एक दूसरे से भूमि प्रबंधन के बारे में जानकारी लेंगे और अनुभव के आधार पर राज्यों में उसका उपयोग करेंगे, जिसके बाद अब दोनों राज्यों के विभागीय अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन 18-19 अक्टूबर को पटना में होने जा रहा है, जिसकी मेजबानी बिहार कर रहा है। बिहार की तरफ से मध्य प्रदेश ने भी जमीन से जुड़े दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अब पूरा काम भी कर लिया जाएगा। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में अभी विशेष भूमि सर्वेक्षण हो रहा है। बिहार में मिले कोविड-19 के 5 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 4 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 35 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो मधेपुरा में 1, पटना में 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली, वेस्ट चंपारण में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,19,978 सैंपल की जांच की गई। वहीं 5 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। शिक्षकों के नियोजन के लिए शिक्षा विभाग ने की पहल। शिक्षकों के नियोजन को लेकर शिक्षा विभाग ने खास पहल की है, जिसके तहत शिक्षा विभाग की तरफ से नियोजन को लेकर निर्वाचन आयोग से इजाजत मांगी गई है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अभी 6ठे चरण की नियोजन प्रक्रिया चल रही है। निर्वाचन आयोग से इसकी मंजूरी मिलते ही नियोजन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, जिसके बाद 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव को लेकर फिलहाल नियोजन की प्रक्रिया बाधित हुई है। हालांकि इस दौरान शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो किसी तरह के भ्रम का शिकार होने से बचे। इस जगह पर पिछले 14 साल से केवल महिलाएं ही कर रही हैं दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा अपने समापन की ओर है और सबके बीच आज नवमी मनाई जा रही है। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पिछले 14 सालों से केवल महिलाएं ही दुर्गा पूजा करती आई है। ये वाक्य है किशनगंज जिले का। किशनगंज जिले की 20 महिलाएं पिछले 14 वर्षों से पूजा करती आ रही है, जहां महिलाओं के हाथों से ही दुर्गा पूजा की पूरी कमान सौंपी जाती है। पूजा कमेटी के संरक्षण से लेकर स्वयंसेवक के रूप में महिलाएं ही जिम्मेदारी उठाती है। इस साल भी नारी शक्ति हर्षोल्लास और पूरे जज्बे के साथ दुर्गा पूजा मना रही है। इतना ही नहीं, यहाँ महिलाएं अपने अपने घर के कामकाज के साथ साथ चंदा काटना, मूर्ति स्थापित करने समेत विसर्जन तक की जिम्मेदारी खुद लेती है। हालांकि इस काम में महिलाएं अकेले नहीं होती, बल्कि इन महिलाओं के घर के सदस्य के साथ साथ स्थानीय लोग भी इनका हौसला अफजाई करते हैं। बिग बिलियन डे सेल में अपने पसंदीदा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ही करें खरीदारी। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है और लोग इस दौरान काफी ज्यादा खरीदारी भी करते हैं। ऐसे में अगर आप भी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो फ्लिपकार्ट से आप आसानी से कर सकते हैं, जिसके तहत आप दिल खोलकर अपना पसंदीदा स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ही खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रोडक्ट के किफायती दाम में यूजर के जरूरतों को पूरा करते हैं। इस दिन में काम से लेकर के लर्निंग और एंटरटेनमेंट शामिल है। सबसे खास बात यह है कि इन प्रोडक्ट्स पर आपको काफी ज्यादा ऑफर्स और बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। अगर आप छात्र हैं तो आप अपने कॉलेज आईडी का उपयोग करके फ्लिपकार्ट पर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदते समय अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। पटना समेत कई जिलों में बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार में भले ही मानसून के जाने की खबर सामने आ रही हो, लेकिन इन सबके बीच पटना मौसम वैज्ञानिकों ने बिहार में एक बार फिर से बारिश को लेकर
कर संभावना जताई है, जिसके तहत पटना मौसम विज्ञान केंद्र के माध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इतराही ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के आधार पर 17-18 अक्टूबर के बीच प्रदेश के दक्षिण बिहार और उत्तर पूर्व के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। हालांकि अगले दो दिनों तक सूबे का मौसम शुष्क होने के साथ ही तीखी धूप और उमस की स्थिति प्रदेश में बनी रहेगी, जिसके तहत ही बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, गया, नवादा, बेगूसराय, जहानाबाद के अलावा दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य, उत्तर पश्चिम बिहार, दक्षिण पूर्व बिहार आदि स्थानों पर अलर्ट जारी किया गया है। इस बार पटना के गांधी मैदान में नहीं होगा रावण दहन। राजधानी पटना के गांधी मैदान में रावण दहन का अलग ही इतिहास रहा है। दशहरा के मौके पर पटना के गांधी मैदान में 1955 से ही रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। पहली बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला पटना के गांधी मैदान में ही जला था। इतना ही नहीं, सबसे रोचक बात तो ये थी कि पाकिस्तान के से पलायन कर पटना आए पंजाबी समुदाय के लोगों ने रावण वध कार्यक्रम की शुरुआत की थी और इसको देखने के लिए लगभग 3 लाख की भीड़ हर साल यहां इकट्ठा होती थी। लेकिन कोविड-19 के कारण इस साल रावण दहन का आयोजन नहीं होने वाला है। इसको लेकर दशहरा कमेटी के अध्यक्ष कमल कृपलानी ने कहा है कि सरकार और कमेटी के लोगों ने इस ऐतिहासिक पर्व को सांकेतिक तौर पर मनाने का निर्णय लिया है, जिसका सीधा प्रसारण सोशल साइट के माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से किया जाएगा। मार्च 2022 तक लोकनायक गंगा पथ से जुड़ जाएगा अटल पथ। दीघा रोटरी से 200 मीटर पूरा अटल पथ को लोकनायक पथ से जोड़ने की तैयारी हो रही है, जो कि साल 2022 में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासनिक जानकारों के अनुसार मार्च 2022 तक लोकनायक गंगा पथ को अटल पथ से जोड़ दिया जाएगा, जिसके जुड़ने के बाद बिहार से आने वाले वाहनों को अटल पथ से और ब्लॉक जंक्शन लोकनायक गंगा पथ से गांधी मैदान और एम्स एलिवेटेड से पटना के दक्षिण के इलाके में आने जाने में सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इसको लेकर BSRDC ने अटल पथ फेज 2 का काम शुरू करने के लिए 12 करोड़ में FCI से 1.13 एकड़ जमीन खरीदी है और अक्टूबर के अंत तक BSRDC की तरफ से FCI को राशि का भुगतान किया जाएगा। नैल्को ने जारी किया ऑपरेटर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन। अगर आप भी नैल्को में नौकरी की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए यह खबर कुछ खास है। नैल्को ने हाल ही में ऑपरेटर पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है, जो कि ओडिशा के कोरापुट जिले के दमनजोड़ी में स्थित माइंस और रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में ऑपरेटर के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार SUPT के JOT विभाग में ऑपरेटर के 6 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। नैल्को ऑपरेटर भर्ती 2021 के अनुसार आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट nalcoindia.com पर उपलब्ध कराए जाने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए इतनी करोड़ राशि को मिली मंजूरी। इन दिनों बिहार सरकार जोर शोर से दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर काम कर रही है। इसको लेकर बिहार सरकार ने दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन और रनवे के विस्तार के लिए 336.76 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने NH 57 के किनारे रानीपुर पंचायत के वासुदेवपुर मौजा गांव में 78 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें से 54 एकड़ जमीन पर टर्मिनल भवन बनाना है, जबकि 24 एकड़ जमीन पर विस्तार करना है, जिसके बाद दरभंगा वासियों के बीच खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जानकारों की माने तो एयरपोर्ट को आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाए जाने की योजना को देखते हुए काम किया जा रहा है। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा की निकली बारात। सिवान के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बेटे उसामा की चर्चा इन दिनों मीडिया में खूब हो रही है, क्योंकि शहाबुद्दीन के बेटे उसामा की शादी हो गई है। वहीं बीते दिन उनकी बारात निकली, जो कि सिवान में निकली है, जिसके बाद प्रतापपुर से लेकर जुरादेई के चांदपाली तक गाड़ियों का तांता लग गया। आलम कुछ यूं है कि एक से बढ़कर एक गाड़ियों पर बाराती गाजे बाजे के साथ निकले हैं। बारातियों में तेज प्रताप यादव समेत राजद के कई विधायक और पूर्व मंत्री शामिल हैं। उसामा साहब को बधाई देने वालों की होड़ लगी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रतापपुर से निकली बारात सीधे चांदपाली जाएगी, जहां पर आफताब आलम की पुत्री डॉक्टर आयशा सभी से उनका विवाह होगा। जो अब आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि उसामा की होने वाली पत्नी आयशा पेशे से चिकित्सक है। 15 नवंबर तक स्थगित हुई जदयू की जनसुनवाई। 15 नवंबर को जदयू की जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाना था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 15 नवंबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। उमेश सिंह कुशवाहा की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार दशहरा, दिवाली और छठ पूजा को लेकर तत्काल जनसुनवाई कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। जैसे ही सभी त्यौहार खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जदयू कार्यालय में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को जनसुनवाई का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें बिहार की जनता की समस्याओं को सुना जाता है। भाजपा ने कांग्रेस पार्टी पर किया हमला।
बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर हर दिन देखने को मिल जाता है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को हर मुद्दे पर घेरने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में भाजपा ने कांग्रेस का घेराव किया है और कई आरोप लगाए हैं, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने सिर्फ पिछड़े वर्ग के वोट लेने का काम किया है, लेकिन अब जब बारी काम की आई तो दशकों तक उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया गया। आज मोदी सरकार के 54 मंत्रालयों की अनेकों योजनाएं सिर्फ गरीबों, पिछड़ों और आदिवासियों के विकास और कल्याण के लिए है और हर योजना पैसा उनके खाते में बिना किसी बिचौलिए के जा रहा है। दिल्ली कैपिटल के फाइनल से बाहर होने पर इमोशनल दिखे ऋषभ पंत। बीते दिन दिल्ली कैपिटल और केकेआर के बीच खेला गया मैच काफी दिलचस्प देखने को मिला। अंदन तक ऐसी संभावना देखी जा रही थी कि शायद फाइनल में इस बार चेन्नई और दिल्ली का मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन आखिरी ओवर में केकेआर ने बाजी पलट दी और मैच अपने नाम किया, जिसके बाद केकेआर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भिड़ने के लिए फाइनल में पहुंच गई है, जिसके बाद ही दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत इस मौके पर काफी इमोशनल नजर आए। इतना ही नहीं, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के समय तो उनकी आंखें भी भर आई थी। पंत ने मैच के बाद कहा कि उनके पास कोई शब्द नहीं है और वो फाइनल में नहीं पहुंचने के लिए कुछ अभी फिलहाल नहीं कह सकते हैं। और इसके बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जब पंत को बुलाया गया तो उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, मेरे पास इस समय कोई शब्द ही नहीं है, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, हमें बस खुद पर भरोसा था, मैच में रहने की कोशिश की जब तक हम रह सकते थे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार अगले आईपीएल सीजन में महेंद्र सिंह धोनी को बतौर कप्तान रहना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।